साथियों, इनके लिए सत्ता से ऊपर कुछ भी नहीं, देश भी नहीं। इन लोगों को सिर्फ अपनी शानो शौकत और सुरक्षा की चिंता रहती है, देश की नहीं। याद करिए वो दिन जब देश के बड़े बड़े शहरों में कभी ट्रेन में, कभी बाजार में, कभी बस में, कभी मंदिर में, कभी रेलवे स्टेशन पर बम धमाके हुआ करते थे। बम धमाकों के उस दौर में कांग्रेस और उसके साथी कैसे कमजोरों की तरह बर्ताव करते थे, ये भी याद रखिए। साथियों, आतंकवाद जब फलता है, फूलता है, तब कोई बचता नहीं है, कोई सुरक्षित रहता नहीं है। किसी भी जाति का हो, किसी की पंथ का हो, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता। बीते 5 वर्षों में बहुत मेहनत से हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारे सपूतों ने इन गलत इरादों वालों को रोक कर रखा है, लेकिन उनके इरादे तो वैसे ही हैं, वो मौके की तलाश में है। मौका मिलेगा तो फिर हमला करने के वो अपने प्लान करते ही रहते हैं और हम उनके प्लान खत्म करने में लगे रहते हैं। ये रोज की लड़ाई है। आज सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर से भी आतंकवादी खतरा टला नहीं है। कौन सोचता था श्रीलंका में 300 लोगों को मार देंगे, आए दिन। और इसलिए देश में एक ऐसी सरकार चाहिए जो आतंकवाद को, देश में हिंसा फैलाने वाली हर ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हो। भाइयों बहनों, आप बताइए, आप बताइए, ये आतंकवाद को कौन खत्म कर सकता है? माताएं बहनें जो बताएगी वो सच्चा आशीर्वाद होगा, कौन कर सकता है? आतंकवाद और नक्सलवाद पर सबसे बड़ा प्रहार करके ये ताकत किसने दिखाई है, किसने दिखाई है? साथियों, चाहे देश के भीतर हो या फिर सीमा के उस पार, आतंक और हिंसा फैलाने वाली फैक्ट्री जहां भी होगी, इस चौकीदार के निशाने पर है। भारत को जहां से भी खतरा होगा, भारत को जहां से भी खतरा होगा, हम घर में घुस करके मारेंगे। ये तय है।